11 2021 को एक इतला मौसूल हुई थी पुलिस स्टेशन रजौरी को कि चकली के इलाके में एक शख्स जिसका नाम अंकित बख्शी सन ऑफ बच्चन लाल, उसकी कुछ अननोन लोगों ने इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 10th एंड 11th अगस्त को घर में घुस के उस पर अटैक किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बेसिस पे एक FIR नंबर 538 ऑफ 2021 रजिस्टर हुआ पुलिस स्टेशन रजौरी में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए DPO रजौरी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई हेडेड बाय DSP हेडक्वार्टर अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ एडिशनल SP हेडक्वार्टर रजौरी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाके सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया और जो लोग आपके पास अक्वेंटेड थे इस केस के फैक्ट्स को लेके उनसे पूछताछ की, काफ़ी लोगों के बयान दिए। एट द सेम टाइम जितना भी टेक्निकल डेटा उस एरिया का रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर रात का खासकर जबकि ये क्राइम अंजाम दिया गया, वो एनालाइज किया काफ़ी माइन्यूटली हमारी सिट ने। इस टेक्निकल डेटा और रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और जो तमाम बयानात थे लोगों के उस एरिया में, उसके बेसिस पे कुछ सस्पेक्ट्स की जीरो इन की और जिनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। अल्टीमेटली 3 मेन सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं इस केस में। सस्पेक्ट अक्यूज नंबर 1 उसमें प्रिया बख्शी डॉटर ऑफ बच्चन लाल आर ओ चकली, अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा रेजिडेंट ऑफ चिंगस, अक्यूज नंबर 3 रेजिडेंट ऑफ संगपुर जिसका नाम अभी विथहेल्ड है जबकि उसकी जब तक उसकी एज वेरीफाई ना हो जाए बिकॉज देर इज अ चांस दैट ही मे बी अ जुवेनाइल, इफ इट टर्न्स आउट ही इज नॉट वी विल डिस्क्लोज द नेम इन पब्लिक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर 1 प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन 1 साल से। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज है, जो कि भाई है अक्यूज नंबर 1 का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे एंड उसने कई बार इस मुद्दे को लेके काफ़ी ऑपोजिशन दिखाई एंड समटाइम्स इवन फोर्सफुली। इसके चलते हुए अक्यूज ने आपस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की टू एलिमिनेट द डिजीज। इसमें अक्यूज नंबर 3 का भी साथ रहा अक्यूज नंबर 2 को। इस केस में फर्दर अरेस्ट भी हो सकते हैं, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मैम किस तरह से ये क्राइम कमिट किया गया उस रात, कैसे इन लोगों की एंट्री हुई जो अभी तक इनने कन्फेस किया होगा? जैसे कि सीन ऑफ क्राइम हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनने बड़ा माइन्यूटली एग्जामिन किया था। इनफैक्ट अगर सीन ऑफ क्राइम देखा जाए उससे ये नतीजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिराइव किया था कि जो एंट्री थी वो फोर्सफुल नहीं थी तो उसके कुछ ही कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कि आइदर कोई अंदरूनी इंसान ही है जिसने एंट्री दी थी या फिर इजी एक्सेस थी जो कि अक्यूज है। इस वजह से ये लीड कहीं ना कहीं हमें मौसूल हुई कि इसमें इंटीरियर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। अगर आप सीन ऑफ क्राइम का जायज़ा खुद भी लें, जो घर है, जो बकुआ है जहाँ पे ये क्राइम कमिट किया गया है, एक छोटा सा घर है, उस एक बड़ा हॉल है जिसके बीच में पार्टीशन है एंड फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर थे जब ये क्राइम कमिट किया गया था। उसके बाद जितना भी टेक्निकल डेटा एनालाइज किया हमारी टेक्निकल टीम ने और हमारी सिट ने मिलके, जीरो इन की गए नंबर्स के जो उस एरिया में एक्टिव थे उस पर्टिकुलर मौके के दौरान, उनका आपस में कोरिलेशन निकाल के ये पता चला कि जो रिलेटिव थी डिजीज की, वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द डिजीज, उसका रबता अक्यूज के साथ कंटिन्यूसली था एंड जो हमारा जो टाइमलाइन है जिसके बीच में ये क्राइम कमिट किया गया था, उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्टिविटी उससे पहले और उसके बाद में ये कंक्लूजन सपोर्ट करती थी कि उनकी प्रेजेंस एरिया में थी और उसके बाद नहीं थी। फिर दिस वॉज फर्दर सब्सटैंशिएटेड बाई क्वेश्चनिंग ऑफ ऑल द 3 अक्यूज। ऑल द 3 हैव एडमिटेड टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। इसमें हम कुछ और अरेस्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। इसमें एक चीज़ कहनी बहुत ज़रूरी है, इस ऑफेंस के कमीशन के बाद काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए कि पब्लिक को और इवन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिसलीड किया जाए, डिरेल की जाए इन्वेस्टिगेशन। हम उस एंगल को भी काफ़ी माइन्यूटली देख रहे हैं। मैम जिस तरह से जो एक अक्यूज्ड है वो विक्टिम की सिस्टर है, कितना बड़ा चैलेंज ये राजौरी पुलिस के लिए था कि घर के अंदर से केस सॉल्व हुआ? और दूसरा मैम ये भी सुनने को मिला है कि जो दूसरे 2 अक्यूज्ड हैं उनमें से भी कुछ लोग पोस्ट इंसिडेंट वहां पे देखे जाते थे ताकि वो जनरलाइज कर सकें और कॉमन उनका एक आइडेंटिटी रहे, वो कितना बड़ा चैलेंज साबित हुई? ये डेफिनेटली चैलेंजिंग था क्योंकि अगर कहीं भी किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए तो हम
एक सर्टेन लेवल ऑफ सेंसिटिविटी दिखाते हैं, हमारी क्वेश्चनिंग भी उतनी अग्रेसिव नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं। इस दौरान हमारी सिट ने बहुत ही प्रोफेशनली एक्ट करके सेंसिटिविटीज को ध्यान में रख के बड़ी इंटेलिजेंटली इस केस की क्वेश्चनिंग की है। एंड जो हमने रिलायंस प्लेस की टेक्निकल डेटा पे, वो सब्सटैंशली हमारे केस को भी हेल्प किया और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी राइट डायरेक्शन में पॉइंट करती है। थैंक यू। थैंक यू मैम।